इसरार ने जल्दी से फ़ोन मिलाकर जैसे ही दूसरी साइड से किसी ने रिसीवर उठाया तो इसरार ने पीसीओ पर आई उस खातून को फ़ोन थमा दिया। तभी वो फ़ोन लेकर बोली, अरे असगरी, कल तुझे मैंने जो सेट दिखाया था वो गायब है। पर आपा, मैंने तो देखकर आपके सामने ही तहमीना के हवाले कर दिया था। अरे मैं तुझे थोड़ी ना कह रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि वो सेट डब्बे में से गायब हो गया है, अलमारी में खाली डब्बा रह गया है। आपा, तुमने मेरे अलावा वो सेट किस किस को दिखाया था? एक दो पड़ोसन को दिखाया था बस, फिर इनमें से ही किसी ने हाथ की सफाई दिखाई है। अरे नहीं, मैंने सेट इन्हें दिखाकर खुद अपने हाथों से डब्बा बंद करके अलमारी में रखा था। तो फिर आपा सेट कौन ले गया? अस्करी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। 25-30 हज़ार का सेट था, शादी सर पर है, अब मैं क्या करूं? आपा तुम परेशान मत हो, मैं आती हूं। हाँ अस्करी, जल्दी से आ जा, मेरे हाथ पांव तो फूले हुए हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ठीक है, तू आ जा। इस औरत ने बात ख़त्म करके रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया और इसरार से मुखातिब होकर बोली, कितने पैसे दूँ? खाला एक मिनट बैठो, मुझे बताओ मामला क्या है? इसरार ने बड़े नरम लहजे में कहा। पीसीओ पर आने वाली औरत ने जब देखा कि ये लड़का मेरे साथ हमदर्दी कर रहा है तो उसकी हमदर्दी पाकर इस औरत ने, जिसका नाम अकबरी था, सेट गायब होने की पूरी वारदात सुना दी। इसरार ने एक दो सवाल इस संबंध में किए और फिर बॉल पॉइंट हाथ में पकड़कर दराज में से एक खाली सफ़ा निकाला और कभी इस्बात में सर हिलाता तो कभी इनकार में, कभी कुछ लिखता तो कभी कुछ। कुछ देर के बाद इसने कापी बंद करके दराज में वापस रख दी और बॉल पॉइंट से ढक्कन भी बंद कर दिया और बोला, खाला मैं जान गया हूँ तुम्हारा सेट कहाँ है। इस इंकशाफ पर अकबरी उछल पड़ी। वो बड़ी मस्कीन सूरत बनाकर बोली, ए भैया जल्दी से बताओ, मेरी तो जान निकली जा रही है, इस सेट को घर के एक फ़र्द ने डब्बे से गायब किया है। इसरार ने दो टोक लहजे में बताया। घर के फ़र्द ने, अकबरी ने परेशान हाल में पूछा, अरे भैया कौन है वो, जल्दी से बताओ ना, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे इसका राज खोलना पड़ेगा, इस तरह घर की इज्जत भी बच जाएगी और सेट भी वापस मिल जाएगा। अरे भैया क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। साफ साफ बता दूंगा खाला, लेकिन तुम्हें दो काम करने होंगे, एक तो सब्र से काम लेना होगा और दूसरा, हाँ मैं मिठाई के पैसे लूँगा, पहले जेवर तो मिले फिर मिठाई के पैसे भी दे दूँगी। कितने पैसे लोगे? सिर्फ 500 रुपये, इसरार ने कहा, और ये पैसे समझो बहुत कम है, जो चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसकी कीमत कम से कम भी 5,000 रुपये लेता। अरे भैया मैं तो एक गरीब औरत हूँ, जाने किस किस तरह से पेट काट काट कर सेट बनवाया था, जानता हूँ, इसीलिए 500 रुपये मांगे हैं। इसरार ने अपनी रकम कम करने के लिए तैयार नहीं था। चलो दे दूँगी, लेकिन सेट मिलने के बाद, अकबरी ने साफ और वाज़ेह अंदाज में कहा, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये इस सेट के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। इसरार ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, सुनो खाला मेरी बात गौर से सुनो, तुम जिस बेटी की शादी कर रही हो वो सेट इसी ने चुराया है, वो सेट इस वक्त इसके पर्स में मौजूद है। खाला जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात पहले पूरे सब्र से सुनो। देखो तुम्हारी लड़की किसी आमर नामी लड़के से शादी करना चाहती है, वो आज रात कुछ कपड़े और सोने का सेट लेकर घर से निकल जाएगी, बस इतना काफ़ी है। अब जो कुछ मैंने बताया है इसी पर रहो, इससे आगे कुछ मत पूछना। नहीं इतना बहुत है, मैं जाती हूँ, कल तुम्हारे पास आऊँगी। अगर तुम्हारी दोनों बातें सच निकली तो मैं तुम्हें 500 रुपये के बजाय 1,000 रुपये दूंगी, मेरा इंतज़ार करना। ठीक है खाला, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर मेरी बात सच निकलेगी तो मैं मिठाई के पैसे ज़रूर लूँगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, मैं ज़रूर दूँगी, मैं ज़रूर आऊँगी, अकबरी ने उठते हुए कहा। और फिर इसको अचानक याद आया, अरे भाई कॉल के कितने पैसे हुए वो तो ले लो। फिर इसने कॉल के पैसे लिए और चेहरे पर फिक्रमंदी लिए वापस चली गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह आ गई। इसरार ने इसका चेहरा देखा, चेहरे पर इत्मीनान फैला हुआ था। इसरार खामोश रहा और इसे कोई सवाल नहीं किया। अकबरी ने अपना छोटा सा पर्स खोला और इसमें 4 तय किया हुआ 1,000 का नोट निकाला और इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले भैया मिठाई के पैसे, तुम्हारी हर बात सच निकली, मैं तुम्हारी बड़ी एहसान मंद हूँ, तुमने मेरी बरादरी की नाक कटने से बचा ली। मैंने इस कुतिया को आधी रात घर से निकलते हुए पकड़ लिया था, इसके पर्स में सेट भी मौजूद था और एक पोटली में चंद अच्छे जोड़े भी थे जो ये बांध कर लेकर जा रही थी। मैंने इसको चुटिया से पकड़ कर खींच लिया और मार मार के हफ्ते भर के लिए इसको बेड पर गिरा दिया, अब अपना बदन सिकाती फिरेगी। इस आमर के बच्चे की भी मैंने खाल उतरवा दी है, अब ज़िंदगी भर वो किसी की इज्जत को मैली आंख से नहीं देखेगा। अकबरी बहुत जोश में थी, जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। इसरार से देखकर खामोशी से मुस्कुराता रहा, इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनता रहा। जब अकबरी के दिल की भड़ास निकल गई तो एक बार इसने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो चली गई। ये औरत इसरार की पहली
सामला थी जिसने अपने फन का कमाल दिखाकर हजार रुपए कमा लिए थे। ये इब्तदा थी। पीसीओ पर आने वाला हर तरह के लोग थे, लड़के लड़कियां, औरतें मर्द अपनी ज़रूरतों के मुताबिक फ़ोन करने आते थे। इन्हीं में से वो अपने मतलब का शिकार अपने जाल में फांस देता था। एक दिन एक लड़की फ़ोन करने आई। वो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी, लंबे कद की, सांवली रंगत की, पुरकशिश चेहरे वाली, कंधे पर बैग लटकाए हुए। वो इसे मुखातिब होकर बोली, फ़ोन करना है। इसरार ने अपने पीसीओ की तरफ बढ़ते हुए इसे देखकर कहा, अपना अमल शुरू कर दिया और जेरे लब कुछ पढ़ने लग गया। जब इस लड़की ने फ़ोन करने के बारे में कहा तो इसरार ने कोई जवाब ना दिया। वो तेज़ी से कुछ पढ़ता रहा, अलबत्ता इसके हाथ के इशारे से इंतज़ार करने को कहा। लड़की खामोशी से खड़ी। चंद लम्हों के बाद इसरार ने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया और ख़ुद ज़रा सा पीछे होकर बैठ गया। लड़की तेज़ी से नंबर मिलाने लगी और इसरार से बड़े गौर से देखने लगा। लड़की ने नंबर मिलाकर इसरार की तरफ से रुख फेर लिया और इसरार इसकी तरफ घूरते ही जा रहा था। इसने तय कर लिया था कि आइंदा इस पीसीओ पर नहीं आएगी क्योंकि इसरार इसको घूर रहा था। जब नंबर इसने रिंग किया, उधर से किसी लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़की की आवाज़ सुनकर इस लड़की ने फ़ोन फौरन बंद कर दिया और एक नज़र इसरार की तरफ देखा। क्या हुआ, इसरार ने पूछा। कुछ नहीं, लड़की ने नागवारी से कहा और अपनी मुट्ठी में दबे 10 रुपये के नोट को इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसरार ने इसके हाथ से नोट ले लिया और बड़े मौदबाना अंदाज में बोला, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। लड़की खामोश रही। इसे से सवारिया नज़रों से इसरार की तरफ देखा। आपने जिसको फ़ोन किया है वो घर पर नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि साजिद इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। इसरार ने बड़ी सादगी से इंकशाफ किया। ये इंकशाफ लड़की के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। वो अंदर ही अंदर लरस के रह गई। ये पीसीओ वाला अनोखा ही खेल था। वो पहली बार यहाँ आई थी, फिर इसको कैसे पता चल गया कि वो किससे बात कर रही थी। साजिद की बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर इसने फ़ोन रख दिया था और पीसीओ से पैसे देकर वहाँ से बाहर जाने लगी थी। फिर इसके महबूब का नाम इस पीसीओ वाले को कैसे पता चल गया, आखिर वो कैसे बता सकता था। लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और वो इसरार की तरफ तसल्ली आमेज़ लहजे में कहने लगी, आपको कैसे पता, आप परेशान ना हो, आपका राज है, राज ही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ कि वो लड़का फ्रॉड लड़का है। इसका नाम ही आप जैसी, इसका काम ही आप जैसी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर बर्बाद करना है। इस वक्त वो हॉक्स बे पर एक परी गुल नामी लड़की के साथ मौजूद हैं। ओहो, वो लड़की इस इंकशाफ पर कुछ भी ना बोल सकी। इसे शदीद ज़हनी झटका लगा और वो सदमे से निढाल हो गई। अब आप आराम करके कुर्सी पर बैठ जाएं, इसरार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो लड़की कुर्सी पर दीवार की साथ टेक लगाकर बैठ गई। इसकी हालत देखकर इसरार ने इसे फौरन पानी का ग्लास दिया। वो बहुत तेज़ी से पानी घटाकर पी गई। आपके पास साजिद का मोबाइल नंबर है, इसरार ने पूछा। जी है, लेकिन वो उठा नहीं रहा, इस लड़की ने बामुश्किल कहा, शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश थी। आप मुझे नंबर बताएं, मैं देखता हूं कैसे नहीं उठाता। लड़की ने नंबर बताया। इसरार ने नंबर मिलाते ही फ़ोन सेट पर एक फूंक मार दी और बेल होते ही इसने रिसीवर लड़की के हाथ में थमा दिया। 3-4 बेलों के बाद साजिद की आवाज़ आई, हेलो साजिद, मैं समीना बोल रही हूँ। ओहो समीना, माफ़ करना, मैं मुकर्रर जगह पर नहीं पहुँच सका। तुमने ज़रूर मेरा वहाँ इंतज़ार किया होगा। मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ, कल आकर तुम्हें बता दूँगा। तुम आज वाले वक्त पर वहाँ पहुँच जाना, ठीक है। साजिद, मैं तुम्हारी मुश्किल को अच्छी तरह जान गई हूँ। तुम्हारी इस मुश्किल का नाम परी गुल है ना। इस वक्त तुम कहाँ हो मैं ये भी बता सकती हूँ, और तुम इस वक्त हॉक्स बे के साहिल पर हो। मैंने अपने कानों से समंदर के शोर की आवाज़ें सुन ली हैं। साजिद, अभी कुछ और बताऊँ या बस? जलील इंसान, अब आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहकर समीना ने एक झटके से रिसीवर क्रेडर पर रख दिया। अब इसने खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी आंखों में बहते आंसू नहीं रोक सकी। फिर इसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ दिए और इसरार को बहुत शुक्रगुजार नज़रों से देखा और बोली, आपने मेरी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। आपने एक ज़हीन लड़की की ज़िंदगी बचाई है। मैं जानता हूँ आप एक ज़हीन लड़की हैं। आपने मोबाइल में से पीछे से आती हुई समुंदर की लहरों की आवाज़ पहचान ली। मेरा काम आसान हो गया। आपको यकीन आ गया कि मैंने जो कुछ कहा था सच कहा था। अब आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाएं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके वालदैन की इज्जत ख़राब हो, और अपने 10 रुपये ये रख लें, मैं आपसे इस कॉल के पैसे नहीं लूँगा। इसरार ने ये कहकर नोट इसकी तरफ वापस बढ़ा दिया। समीना ने 10 रुपये का नोट अपनी मुट्ठी में दबाया और पीसीओ से बाहर निकल गई। 2-4 दिन के बाद अकबरी एक औरत के साथ पीसीओ पर आई। इसरार अकबरी के साथ आने वाली औरत को बगौर देखने लगा। वो एक पसमर्दा और बीमार औरत दिखाई दे रही थी। खाला, कैसी हो, इसरार ने पूछा।
अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर वो अपने साथ आने वाली औरत की तरफ इशारा करके बोली, ये बहुत परेशान है, बहुत से पीरों फकीरों के दर पर हाजिरी दे चुकी है। मैंने कहा कि मैं तुझे लेकर जाती हूँ, तू कहाँ मारी मारी फिरेगी, मेरे साथ चल, मैं तुझे पीसीओ वाले बाबा के पास लेकर जाती हूँ, तभी वो चुटकी बजाते ही तेरा मसला हल कर देंगे। अब तुम इनका मसला सुन लो, ये अपने बेटे के गम में आधी होके रह गई। अच्छा खाला बैठो, मैं देखता हूँ क्या मसला है। ये कहकर इसरार ने दराज से कॉपी निकाली और इस पर आरी तिरछी लाइनें खींचने लगा और साथ ही कभी नफी में तो कभी इस्बात में गर्दन हिलाता जा रहा था। अकबरी इसे बड़े फख्र से देख रही थी। कुछ देर के बाद इसने कॉपी बंद करके दराज में डाल दी और बाल पॉइंट का कवर लगाते हुए बोला, खाला इनका मसला मैंने मालूम कर लिया है, लेकिन मसला बहुत टेढ़ा है। मुझे 7 दिन कब्रिस्तान में वजीफ़ा पढ़ना होगा, इसलिए कुछ चीज़ें दरकार होंगी जो महंगी हैं। 10,000 रुपये से कम का खर्चा नहीं आएगा। अरे बग़ैर मसला बताए भी कैसे मालूम कर लिया तूने, ज़रा बता तो सही। खाला इनका लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल है, 1 साल से घर से गायब है, इसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो नाराज़ होकर घर से निकला था। इस वक्त जहाँ है खैरियत से है, अगर कहूँ तो इसके नाम भी बता दूँगा। इसरा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ बताएं। इस मर्तबा लड़के की माँ ने बेकरारी से पूछा, लड़के का नाम शमशाद है, लड़का गोरे रंग का है, इसरा ने बताया। हाई बिल्कुल सच नाम बताया, ये भी सही बताया कि वो नाराज़ होकर घर से निकला था और कई दिन से मोटरसाइकिल खरीदने की ज़िद कर रहा था। इसके अब्बू ने इसे कहा था कि तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जो बीए कर लो तो तुम्हें मोटरसाइकिल ले दूंगा। बस फिर वो ये कहकर घर से गायब हो गया और कभी लौट कर नहीं आया। मेरा इकलौता बच्चा है, शुक्र है कि वो जिंदा सलामत है, लड़के की माँ बोली। हाँ बिल्कुल जिंदा सलामत है और 7 दिन के अंदर घर वापस भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, पैसे पहले लूँगा। अगर लड़का 7वें दिन घर वापस ना आया तो आप अपने पैसे वापस ले जाना, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इस तरह ने घर ही में कारोबार शुरू कर लिया था। इकलौते बच्चे की बाजियाबी के लिए 10,000 रुपये कुछ भी नहीं थे, ये खाते पीते लोग थे। अगर कोई गरीब माँ होती तो इधर उधर से कर्ज उधार उठाकर इसरार के हवाले कर देती। इसी शाम 10,000 रुपये लेकर वो इसकी दुकान पर आई और इसरार को दे दिए। इसरार ने इस लड़के शमशाद के सिलसिले में घर में बैठे कर सिर्फ 3 दिन 1 घंटे का अमल किया और वह लड़का बेकरार होकर घर वापस लौट आया। इसी शाम इसकी माँ मिठाई का डब्बा लेकर इस लड़के को साथ लेकर खुशी खुशी इसरार के पास आई। इसरार देखो डिब्बा खोल कर देखो, इसमें गुलाब जामुन है। इस माँ ने अपने बेटे को वापस पा लिया था। अभी 3 दिन गुजरे थे, समीना एक लड़की के साथ आई। आज वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में नहीं थी, घरेलू लिबास में थी और अच्छी लग रही थी। इसरार ने समीना को देखा, इसके साथ आने वाली लड़की को भी एक नज़र देखा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इनका मसला है, समीना कुर्सी संभालते हुए बोली, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, किसी को पसंद करती है, इस लड़के के बारे में बता दें। अच्छा, इसरार ने दराज से कॉपी निकाली, बॉल पॉइंट से कार्रवाई करने लगा और सबसे पहले बोला, इसका नाम सुमेरा है। इनका नाम सुमेरा है, हाँ, समीना ने जवाब दिया। कुछ देर इसरार कॉपी पर आड़ी तिरछी लाइनें लगाता रहा। लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि लड़के के वालदैन इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हैं। राज़ी तो खैर इनके घर वालों में से कोई भी नहीं है, लेकिन घर वाले किसी और तरफ मान सकते हैं, लेकिन लड़के के वालदैन किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। आपने जो कहा सही कहा, असल मसला ही यही है कि लड़के के वालदैन राज़ी नहीं। लड़का कहता है कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज पर मैं राज़ी नहीं, समीना ने बताया। फिर ये क्या चाहती है, इसरार ने पूछा। वालदैन राज़ी हो जाएं लड़के के, फिर इसके घर वाले भी मान जाएंगे। ये चाहती है कि शादी बहुत हंसी खुशी से हो, समीना ने बताया। ये 3,000 रुपये का खर्च है, मुझे 3,000 रुपये दे, इनका मसला हल कर दूंगा, इसरार ने बड़ी संजीदगी से कहा। लड़के के वालदैन भी राज़ी हो जाएंगे और इनके वालदैन भी, और हंसी खुशी इसको कबूल भी कर लेंगे। समीना की दोस्त सुमेरा ने दूसरे दिन ही 3,000 रुपये लाकर इसे दे दिए। इसरार ने एक ख़ास अमल के ज़रिए सुमेरा के रिश्ते में जो रुकावट थी वो दूर कर दी और दोनों की मंगनी हो गई, हंसी खुशी सब शरीक हुए। एक दिन एक औरत टेलीफोन पर किसी से अपने शोहर की शिकायत कर रही थी। इसरार ने इस केस को फौरन अपने हाथों में ले लिया। औरत गरीब थी, इसे सिर्फ 500 रुपये लिए और एक बुढ़िया कुछ बांध कर दे दी और कहा, चाय में डालकर अपने शोहर को पिला दे, तुम्हारा शोहर तुम्हारा मती हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, बस इसी तरह चिराग से चिराग जलता रहा। इसरार की शोहरत बड़ी तेज़ी से फैलती गई। 2 माह के अंदर अंदर इसने अपना एतमाद अच्छा खासा जमा लिया। अब लोग दूर दूर से इसके पास आने लगे। वो इस इलाके में पीसीओ वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। इसे ये नाम देने वाली अकबरी थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसे इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इसरार को ना चाहने के बावजूद ये नाम कबूल करना पड़ा। अब लोग इसको पीसीओ पर फ़ोन करने कम आते थे और अपने मसाइल का हल ज़्यादा लेकर आते थे और अच्छी खासी रकमें भी देते थे।
आने वाली ख़वातीन की तादाद थी, समीना भी आती रहती थी। इसने साजिद के बारे में इंकशाफ किया था, तब इससे वो बड़ी ममनून थी। फिर इसने दूसरा एहसान इसकी दोस्त सुमैरा पर भी किया था। ये भी कोई मुश्किल काम था बल्कि नामुमकिन था, लेकिन इस नामुमकिन काम को इसने मुमकिन बना दिया। समीना इसरार को पसंदीदगी की नज़रों से देखने लगी। वो अपने चेहरे पर हमेशा मोहरे पढ़कर दिखता था और महसब दिखाई देती थी। इसमें बाकियों वाली कोई हरकत नहीं थी। वो बहुत तमीज़दार, महज़ब और बात के अंदाज में बहुत अच्छी लड़की थी। जब पहली बार समीना इसके पीसीओ पर फ़ोन करने आई थी, तो इसे देखते ही इसरार के दिल में एक अजीब सी फुलवारी सी छूटी थी। वो फौरन इसकी आंखों के ज़रिए इसके दिल में उतर गई थी। वो इसे अच्छी लगी थी। ये इत्तफाक था कि ये मामला ऐसा निकल आया। इसने साजिद जैसे फ्रॉड इंसान से इसको बचा लिया और समीना के दिल में एक एहसान पैदा कर दिया और अपनी जगह बना ली। इसरार को लोग पीसीओ वाले बाबा कहते थे तो बड़ी हंसी आती थी, क्या अजीब नाम है। एक दिन वो आई और इसने मुस्कुराकर पूछा, आप अपना नाम ही बता दें या मैं भी आपको पीसीओ वाला बाबा ही कहूँ। कुछ अजीब सा बल्कि फजूल सा नाम नहीं है भाई, मैं क्या करूँ, लोगों ने मुझे इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया, किस किस को रोकूँ। इसरार ने हंसकर कहा, वैसे आपका नाम क्या है, समीना ने पूछा। मेरा नाम इसरार नासिर है, इसने बताया। वाह क्या अच्छा नाम है, समीना खुश होकर बोली। आप लोगों को बताएं कि आपका नाम इसरार नासिर है, पीसीओ वाले बाबा नहीं। समीना साहिबा, मैं किस किस को बताऊँ, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जो मर्जी चाहे कहें, इसरार बोला, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, समीना ने शीरी लहजे में कहा। इसरार ने इसे चौंक कर देखा, इसकी आंखों में चिराग रोशन थे। वो चल नमें तौकफ़ करके बोली, मैं नहीं चाहती कि लोग आपको इस अहमकाना नाम से पुकारें। समीना साहिबा, नाम में क्या रखा है, इसरार ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नाम में बहुत कुछ रखा है, वरना अच्छे खासे नाम रखने की तलकीन की जाती, समीना ने अपनी पलकें चिपकाते हुए कहा। हाँ बात तो बड़े पते की है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात मान गया हूँ। आप हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं और ये दोनों खूबियाँ मुश्किल से ही यकजा मिलती हैं, इसरार ने शगुफ्ता लहजे में कहा। आप यूँ करें, आप मेरा कोई अच्छा सा नाम रख लें, समीना ने जवाब देने के लिए अपने भरे हुए लब खोले और इसरार की आंखों में हैरत से देख कर बोलने से पहले ही चुप हो गई। इसने पलट कर पीछे देखा, वो किसी चीज़ को देखकर हैरान हुआ था। अरे अचानक इसरार ने बड़े खुशगवार हैरे से कहा और वो दोनों देखकर उठकर खड़ा हो गया।